हेलो एंड वेलकम टू एग्ज़ाम प्रिपरेशन चैनल। तो ये हमारा सीजीएल का टायर टू मेंस क्वांट सेक्शन है। तो हमारा तो इसमें हमारा टोटल 100 क्वेश्चन है, तो इसको हम वन बाय वन सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड दे रखा है पूरा का पूरा। तो इसको आप डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं कि इसके डायरेक्ट मल्टीप्लाई करनी है आपको। तो हमारा ऊपर हो जाएगा 42 माइनस 1, हमारा 41 माइनस 7 अपॉन 1 प्लस 5। अगर मैं इसको ऊपर भेज दूँ और इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दूँगा तो हमारा कितना हो जाएगा, 212 अपॉन 41। वही चीज़ इसमें करनी है, इसमें हमारा 4 माइनस है, इसको हमें ऊपर भेजना है और इसकी मल्टीप्लाई डायरेक्ट इससे करनी है। तो ये हो जाएगा हमारा 484 माइनस 41, ये 407। हमने यहाँ पे थोड़ी गलती कर दी है, तो हमारा इसका होगा 848 होगा। तो इसका हमारा होना है 8848। तो इसका हमारा आएगा आंसर 807। अब हमारा 807 अपॉन 212, वही अपॉन, अब हमारा 3+ है, इसको ऊपर भेजेंगे और इसकी मल्टीप्लाई इससे कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 21 24 और 212, 3 3 6 2। ये तो आ गया हमारा डिनोमिनेटर में। तो अभी हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू बची हुई है, ये बचा है हमारे पास 807 अपॉन 2633, 2 माइनस, अब ये हमारा बचेगा 807 और ऊपर आएगा 2633, वही इसको हमें ऊपर भेजना है, इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है। अब हम 26 की मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे और ऐसे होगा तो हमारी इसकी वैल्यू आएगी 5266807। अब माइनस तो हमारी इसकी वैल्यू आ जाएगी 95844। तो ये हमारा 4459 2633। अब अगर मैं इसको डायरेक्टली माइनस कर दूं तो हमारी इसकी वैल्यू आएगी 6244418। है कोई? तो इसका आंसर हमारा फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा। ये भी हमारा सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड है, तो इसको हम डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। हमारा 7/3 + 15/17 अपॉन 5 की, ये पहले ही कट जाएगा 5 से अपॉन 4 माइनस 8/3। अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूँ तो हमारा आ जाएगा -1/3 + 17/4। तो इसको हम फर्दर, अब हम इसका फर्दर सॉल्व करेंगे तो इसका हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम आएगा 12, यहाँ से मिल जाएगी हमें -4 + (3) 51, 51/4। हम यहाँ पे क्या वैल्यू मिलेगी, 47/12। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी देखते हैं क्या है। नीपा वर्किंग लेडी है, अर्न एक्स रुपीज पर मंथ, हमारी एक्स सैलरी है। इफ शी स्पेंड्स 2/5 ऑफ हिज अर्निंग ऑन फॉर पर्सनल यूजेस 2/5 एंड 3/4 ऑफ द पर्सनल यूज, मतलब 3/4 ऑफ द पर्सनल यूज वो यूज करती है एंटरटेनमेंट में। वाइल 7/20 ऑफ द एक्सपेंडिचर इन एंटरटेनमेंट, मतलब इसका भी 7/20 एक्सपेंडिचर में यूज करती है एंटरटेनमेंट में से भी, तो हमारी उसकी हर सैलरी वुड बी एक्सपेंडिचर के रेस्पेक्ट में कितनी होनी चाहिए। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये 2, तो हमारा इसका आ जाएगा 21x/200। सो दैट मीन्स ये हमारी वैल्यू आ रही है और ये हमारी ऊपर की सैलरी होगी और ये हमारा एक्सपेंडिचर का रेस्पेक्ट होगा पूरा का पूरा। अब मैं अगर इसको सॉल्व करूँ तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑप्शन क्या है। अब इसमें जो ऑप्शन है वो ये चीज़ है, हमेशा एक चीज ध्यान में रखना, कोई भी जो जीरो वाली वैल्यू होती है कभी भी वो डिवाइड होती है, या तो वो पूरी कट जाएगी या पॉइंट की 5 वैल्यू देगी, है ना। अब यहाँ पे पॉइंट तो है नहीं कहीं पे, तो 5 भी है
लेकिन इसको अगर मैं एक चीज बताऊं, ये पूरा का पूरा अगर हमारा कट जाए तो क्या दिक्कत है। सो दैट मीन्स इसकी वैल्यू मुझे 200 लेनी पड़ेगी मिनिमम। अगर मैं इसकी 200 वैल्यू लेता हूँ मिनिमम, तो ये हमारा एक्सपेंडिचर का हो जाएगा सारा हिसाब। इसका आंसर हो जाएगा सी। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ये भी हमारा एक तरह से सिंप्लीफिकेशन से ही है क्वेश्चन। आपको एक चीज़ तो पता होगी, ए इंटू ए, अगर इसकी वैल्यू एन है और इसकी वैल्यू वन है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, एन प्लस वन। अगर ए एन डिवाइड बाय ए है तो इसकी वैल्यू हो जाती है ए एन माइनस वन। तो इसी के बेस का पूरा क्वेश्चन है ये। अब आइडेंटिटी तो देख ली, अब इसको देखते हैं सॉल्व करते हैं। अगर मैं इसको 4n को ये भी तो लिख सकता हूँ, 4 2n इंटू 20 को 4 क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 5। तो दैट मीन्स 2 2m माइनस 2 इंटू 5m माइनस 1। अब मैंने इसको खोल दिया और इसको भी पावर में लिख दिया। इसको लिख सकते हैं 3m माइनस n, 4 का वही 2 2m माइनस 2n, एंड 15 का लिखेंगे 3m प्लस n माइनस 2, और 5 का भी यही पावर होगी पूरी की पूरी। ठीक है, अपोन में क्या है हमारा, अपोन में हो जाएगा 4 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 हो जाएगी यहाँ पे। तो 2 की पावर 4m इंटू 5 2m प्लस n इंटू 3 2m माइनस 2। अब अगर मैं इसको मतलब ये सारी की सारी वैल्यू ऊपर ले जाऊं, तो मैं इसको लेके जाता हूँ और ये साथ साथ मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, तो इसकी हो जाएगी हमारी 2 2n प्लस 2n माइनस 2 प्लस 2m माइनस 2n माइनस 4m। अब देखते हैं इससे हमारा क्या क्या बचा हुआ है। इससे ये गया तो 2n बचा है हमारा, सॉरी कि यहाँ पे दिक्कत हो गई है, यहाँ पे हमारा 2m होना चाहिए था। तो 2m ये वाला इससे मिल जाएगा, तो ये हमारा इससे कट जाएगा और ये 2n इससे कट जाएगा, तो हमारी पावर बचेगी 2 की पावर माइनस 2। अब अगर हम 3 का देखते हैं, 3 पे होगा हमारा m माइनस n प्लस m प्लस n माइनस 2, ये इससे गया लेकिन नीचे वाला भी तो है, +2m माइनस 2। ये माइनस में, तो ये प्लस में हो जाएगा और ये माइनस में हो जाएगा। सो ये दोनों m गए, इससे ये गया, तो हमारी इसकी वैल्यू आ गई 0। और अगर हम 5 का देखते हैं, तो हमारा 5 का भी हो जाएगा 5m प्लस n माइनस 2 माइनस 2m माइनस n। एक ये गया और एक ये भी है, तो हमारा हो जाएगा m माइनस 1। तो 2, एक ये -3 हो जाएगा ये। तो हमारी इसकी वैल्यू आ गई 2 की पावर -2 इंटू 3 की पावर 0 इंटू 5 रेज टू द पावर -3। अब -2 ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी -1 1/4 इंटू 1 इंटू 1/125, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/500। क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कभी भी आपको इस टाइप के सिंप्लीफिकेशन मिले हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अंदर वाले रूट जो हैं वो सारे के सारे सॉल्व करने हैं। तो उसको हम सॉल्व करते हैं, आर आर प्लस 1/4 √3.3 - r। अब आप पूरे क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे 3 3 3 3, तो ये 9 का स्क्वायर है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 3 2r प्लस, यहाँ पे 2 आएगा तो 1/2 हो जाएगा ये। और रूट सॉल्व कैसे करेंगे हम, रूट सॉल्व में होगा पूरा का पूरा 0.3, ये वाला 3 बाहर आ जाएगा,
वन अपॉन माई रूट टू, क्योंकि ये वाला जो रूट, ये वाला जो है ये हमारा अंदर रह जाएगा, तो यही माइनस अपॉन टू आ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा ना आर रूट टू हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हाफ लिख दी हमने डायरेक्ट, तो वही चीज है थ्री वन, मतलब इसकी वैल्यू माइनस आर बाय टू, वही चीज हम इसमें सॉल्व करेंगे जो हमने पहले क्वेश्चन में किया था, फोर आर प्लस वन अपॉन टू पॉइंट, अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दूं क्या दिक्कत है, तो ये हो जाएगा वन माइनस आर अपॉन टू, सॉरी यहाँ पे प्लस होगा जब जाके हमारा बेस सेम है, तो हमारा ये हो जाएगा थ्री आर प्लस टू, ये हमारी किसकी वैल्यू हो जाएगी, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी थ्री की, और अब वही चीज़ अगर अपॉन में करेंगे तो ये हो जाएगी हमारी टू माइनस आर अपॉन है ना, अब ये जो है वही चीज़ हो जाएगी हमारी थ्री आर प्लस टू माइनस टू प्लस आर, तो ये हमारा इससे गया और ये हो जाएगा हमारा फोर आर, तो दैट मीन्स थ्री की पावर फोर आर रूट के अंदर। अब मैं इस चीज़ को अगर बाहर निकालूं तो ये हमारा कितना बन जाएगा, एक चीज़ तो भूल ही गए, यहाँ पे पावर टू भी है और टू से टू पिछला जाएगा और हमारी बाहर आर तो है ही, तो इस चीज़ को हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, ये हमारा डायरेक्टली बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा थ्री टू आर अपॉन आर है ना, आर से आर गया तो ये हमारी इसकी वैल्यू आ गई नाइन। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं, ये भी हमारा पूरा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। अब अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, एक से नौ तक यहाँ पे गिनती दे रखी, 10 नहीं है, 11 से लेके 19, 21 से लेके 29, ऐसे करते करते 99 से लेके 99, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 10 की डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लाइक वन टू जो भी है, ये हमारी कोई वैल्यू दे रखी है 11 से लेके 19, बिल्कुल एंड तक जा रहा है 91 टू 99, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं 10 अपॉन 10, 20 अपॉन 20, अगर मैं इसको काट दूँ तो भी वन होगा, बात तो वही है, लेकिन मैं ये चीज़ यहाँ पे नहीं कर सकता क्योंकि लास्ट में ये एंड हो रही है, ये चीज़ यहाँ पे अगर डॉट डॉट होता तो पता नहीं कहाँ तक जाता, तो हम इसको डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं, अब यहाँ पे हमारे 10 बाई 10 भी मिल गया पूरा का पूरा, इसमें 10 मिल गया, 20 मिल गया, 30 40 पूरा का पूरा मिल गया, तो मैं ये कर सकता हूँ पूरा का पूरा 99 तक चल रहा है पूरा का पूरा ये है ना, लेकिन अब हमारा यहाँ पे क्या हो गया 10 20 30 बिल्कुल 90 तक मिल गया, क्योंकि यहाँ पे 90 भी आएगा, 90 अपॉन 90 है ना, तो इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी पूरी की पूरी, अब हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं 99 अपॉन फैक्टोरियल तो आ गया इसका, लेकिन अब मैं आपको ये चीज़ बता दूँ, 9 फैक्टोरियल तक की हमारी वैल्यू होती है थ्री सिक्स टू एट एट है ना, ये कुछ पूरी की पूरी वैल्यू होते हैं, आप इसको कैलकुलेट करके भी रख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अब देखते हैं, अब हमारे जीरो कितने होंगे, देखो 9 तो ये हो गए है ना, पूरे के पूरे 9 हो गए, लेकिन एक चीज और आएगी जहाँ पे 720 और एक जीरो और मिलेगा हमें, तो ये हमारा हो जाएगा 10 की पावर 10, वो आप ये सोच रहे होगे 720 कहाँ से आया, अब एक बात बताओ 2 × 3 × 4 × 5 × 6 यहाँ पे आपको 720 मिलेगा, ये वाला जीरो यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि 2 × 3 = 6, 6 × 4 = 24, 24 × 5 = 120, 120 × 6 = 720, तो एक जीरो यहाँ से मिलेगा, तो ये हो गया हमारी टोटल 10 की पावर 10, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा दिस वन थर्ड। क्वेश्चन नंबर सेवन देखते हैं, एच सी एफ एंड द एल सी एम ऑफ फैक्टोरियल 13 एंड 31, अब आपको मैं एक चीज़ पूछूँ, 31 फैक्टोरियल में 13 फैक्टोरियल आता है क्या, 31 फैक्टोरियल में 13 फैक्टोरियल आता है क्या, आता है, सो दैट मीन्स जो भी हमारा एच सी एफ और एल सी एम होगा, एच सी एफ जो होगा हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा 13 फैक्टोरियल के आसपास होगा, और जो एल सी एम होगा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल वो 13 1 के आसपास होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी। क्वेश्चन नंबर एट, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन, ये हमारा रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन बन जाता है, अब ये बोल रहा है 100 10
100,000, 10,000, 1 लाख। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ 6 से तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा? 4। इसको भी करूँगा तब भी 4 आएगा, इसको करूँगा तब भी 4 आएगा, इसको करूँगा तब भी 4 आएगा, इसको करूँगा तब भी 4 ही आएगा। ठीक है, अब मैं अगर इन सबको जोड़ दूँ तो तब हमारा क्या आएगा? 20। मैं इसको तब भी अगर 6 से करूँगा तब जाके हमारा एक्चुअल जो रिमाइंडर आएगा, अगर मैं इन सबको प्लस करने के बाद भी डिवाइड कर दूँ इनके रिमाइंडर को, तब भी हमारा आंसर आएगा 2। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, फाइंड द रिमाइंडर। ये भी हमारा रिमाइंडर थ्योरम पे क्वेश्चन है। तो ये बोल रहा है डिवाइड बाय 4। अब डिवाइड बाय 4, लाइक कभी भी आप ध्यान में रखना, जो हमारी यूनिट डिजिट होती है, अगर हम 10 डिजिट को अगर 2 से डिवाइड करें, अगर ये वाली डिजिट यहाँ पर इवन है, लास्ट वाली डिजिट इवन है और यहाँ पे कुछ भी है, तो ये हमारा 2 से डिवाइड हो जाता है। अगर हमारी 3 डिजिट लास्ट की 4 से डिवाइड हो रही है तो हमारा पूरा नंबर जो भी होगा वो पूरा का पूरा 4 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर क्या है, हम यहाँ पे डायरेक्ट इस चीज़ को 923 और 235 को 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो जो भी हमारी वैल्यू आएगी, हम उसका सिर्फ रिमाइंडर लेंगे। यहाँ पे अगर मैं इस चीज़ को 920 से कट जाएगा पूरा का पूरा, ये 920, तो इसका रिमाइंडर आ जाएगा हमारा 3। और 3 2, अगर आपको याद हो तो 3 2 3 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी हमारा रिमाइंडर 3 आ जाएगा। तो हमारे 3888 प्लस 3222। अब हम क्या करेंगे, इसका अलग अलग इसको डिवाइड करेंगे। अब हमारी यहाँ पे ये वाली पावर चेंज होगी, पहले हमने नंबर को किया, अब हम पावर को करते हैं। तो 888 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारी वैल्यू आती है 222। हम इसको फिर 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारी वैल्यू आती है 5 5। रिमाइंडर छोड़ो, हमें सिर्फ लास्ट वाला रिमाइंडर देखना है। 4 से करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1 3। 4 से फिर करेंगे जब हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 1। सो दैट मीन्स हमारे पहले का रिमाइंडर 1 आ जाएगा। लेकिन अगर इसमें भी देखो हमारे जो पावर है वो इसके सिमिलर है, तो हमारा एक और रिमाइंडर मिल गया, तो हमारा क्या हो जाएगा, अब ये हमारा रिमाइंडर बन जाएगा यही, क्योंकि ये कट नहीं रहा तो ये हमारा रिमाइंडर है। तो ऑप्शन ए हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा एलजेब्रा से। तो ये क्या कह रहा है, हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसका होल क्यूब, हमारा 3 इक्वल है ए क्यूब बी क्यूब का होल स्क्वायर। तो अब हम इसको इक्वल में देखते हैं हमारी क्या वैल्यू आती है इसकी। तो हमारा ए की पावर 6 हो जाएगी, बी की पावर 6 हो जाएगी, और 3 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू ए क्यूब नहीं होगा, हमारी ये भी पावर 6 हो जाएगी प्लस ए बी की पावर 6 हो जाएगी प्लस 2 ए क्यूब बी क्यूब। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये इससे गया, ये इससे गया। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं तो हमारी इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी इज इक्वल टू 2 ए क्यूब बी क्यूब। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर मैं इसको पूरा इससे काट दूँ तो हमारा ये बच जाएगा 3 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो हमारी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी की वैल्यू आ जाएगी 3 अपॉन 2। ये हमारी इसकी वैल्यू आ गई है ना। तो इसका इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये हमारी फॉर्म बन गई पूरी की पूरी। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ए प्लस बी, ए बी बन गई पूरी की पूरी। और ये कह रहा है हमें इसकी वैल्यू निकालो, अगर मैं ये वही हो जाएगा, ये हमारा ए प्लस बी बी ए, ये वही फॉर्म है। और ये हमें 6 की वैल्यू कह रहा है, तो हमारी 3 की पावर 6 और 2 की पावर 6 हमारी कितनी होती है, 3 3 का क्यूब 27, 27 × 27 81। इसका आंसर, एक सेकेंड, यहाँ मैंने कुछ गलती कर दी क्या? ओ, यहाँ पे 2/3 होना चाहिए था, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2/3 की पावर 6। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी।
क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हमारा, मिस्टर विनायक हैज थ्री काइंड ऑफ वाइन। ओ बेटे दारू, और द फर्स्ट काइंड इज वोडका जो 403 लीटर है, सेकंड है 434, थर्ड है विस्की 465। 465। व्हाट इज लीस्ट नंबर ऑफ फुल कर्क ऑफ इक्वल साइज इन विच दिस कैन बी स्टोर्ड विदाउट मिक्सिंग, मतलब कि हम कितने नंबर ऑफ जी ग्लासेस होते हैं छोटे छोटे, उसमें हम कितना उसमें यूज कर सकते हैं ताकि कम से कम ये यूज हो। ये हमारा एच सी एफ और एल सी एम का क्वेश्चन है। एच सी एफ हमारा होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये बोल रहा है कम से कम वो बताने हैं, दैट मीन्स वो नंबर हमें ढूंढना है जो इन तीनों को काटता होगा, वो नंबर है हमारा 31। 31 है तो अब इसको हम काटते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 444 1200 1302, तो ये हो जाएगा 1302 अपॉन 31। और अगर मैं इसको काटूं तो ये हमारा कटता है 10, 31 ये हमारा कटता है 31 से। अब 31 से हम इसे हमें काटना है तो ये हमारा हो जाएगा 1204, 120, 4, 4 से तो जाएगा ही जाएगा 6, 2, दैट मीन 42 से हमारा पूरा का पूरा कट जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा 3। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, अनिकेत विकास एंड चिरू स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट एंड ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन राउंड ऑफ आइलैंड, ये हमारा 6 किलोमीटर की सरकमफ्रेंस है, रेडियस नहीं है, ये हमारा पूरा 6 किलोमीटर है। अनिकेत स्टार्ट एट द रेट ऑफ 3, विकास 2.5, चिरू 1/4, तो हम इसको क्या से करेंगे तो हमारा टोटल डिस्टेंस क्या है 6, और ये कितनी स्पीड से भाग रहा है 3 की, और वही चीज है 2.5, 5, 2, 12, 12 अपॉन 5, तो वही चीज है 5, 5, 4, 6, 24, 24 अपॉन 5 है ना। अब मैं इसको काट दूं तो ये हमारा हो जाएगा 2 अपॉन 1, तो हमारा अब इसमें निकालना क्या है, इन हाउ मैनी आवर्स विल दे मीट टुगेदर, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हो जाता है एलसीएम का। अब एलसीएम हमें इसका निकालना है पूरा का पूरा, हमेशा ध्यान में रखना जब भी अगर फ्रैक्शन में हमारी वैल्यू हो, नीचे वाला एचसीएफ देखना, ऊपर वाला एलसीएम देखना, और सबसे ऊपर वाला होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे कम मल्टीपल में यही है, तो 24 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है हमारा, व्हेन अ न्यूमरेटर ऑफ अ पॉजिटिव फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 2, हम न्यूमरेटर को ले लेते हैं 2x+2, ठीक है, और डिनोमिनेटर सेम फ्रैक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय 2, तो 2y, द न्यू फ्रैक्शन कैन बी रिड्यूस्ड, जो भी हमारी इसकी वैल्यू होगी वो रिड्यूस कर दी गई है हाफ में, द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ओरिजिनल फ्रैक्शन कैन बी, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 2x+4 = 2y, हमने इसको 2 से काट दिया तो x+2 = y, x-y = 2, सो दैट मीन्स हमारी कोई ना कोई वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, तो हमारा इसका हो जाएगा आंसर 3। एनी इवन इंटीजर ग्रेटर देन 3, कोई भी अगर हमारी वैल्यू 3 से ग्रेटर होगी तो ही तो हमारा 2 आएगा, तो ये भी होगा। और अभी अगर मैं ये चीज़ देखूँ तो x+y की वैल्यू हमेशा आपको इवन ही चाहिए इस केस में, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है हमारा, द डिजिट ऑफ 3 डिजिट नंबर आर इन जीपी में है व्हेन द डिजिट ऑफ दिस नंबर आर रिवर्स्ड, जो भी हमारा नंबर रिवर्स्ड किया गया है उसका रिजल्टेंट हमारा 3 डिजिट में है सबको। अब इसको हम तो ऐसे कर सकते हैं 100A, अगर आपने जीपी पढ़ी होगी तो आपको ये समझ में आ जाएगा मैं क्या कर रहा हूँ, प्लस में AR2, ठीक है, दिस रिजल्टेंट नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ओरिजिनल नंबर, अब दैट मीन्स इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इसके ओरिजिनल नंबर से, ये हो जाएगा हमारा 100 AR2 प्लस 10 AR प्लस ए, इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ओरिजिनल नंबर, द डिफरेंस कम आउट, इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 792। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं, ये देखो माइनस यहाँ पे प्लस यहाँ पे, सो दैट मीन्स 10 ये कट जाएगा, और इसमें माइनस 100
और एक ही ए, दोनों माइनस होगा तो -99 a आ जाएगा, और माइनस ए आर स्क्वायर प्लस 100 ar² से कटेगा तो ये हो जाएगा 99 ar² इज इक्वल टू 792। -99 को हम कॉमन ले लेते हैं और a को भी साथ में ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा -99, वरना यहाँ पे भी माइनस लगाना पड़ेगा, तो हम माइनस अंदर ही ले लेते हैं, तो प्लस ar² इज इक्वल टू 792। अगर हम इसको काटेंगे तो आप ध्यान से देखो, अगर मैं ये 100 होता, ये चीज 100 होती और ये 8 होती, अगर ये 100 होती और ये 800 होती तो ये 8 से कट जाता, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी 800 में 8 का है और इधर 1 का है, तो ये पूरा 8 से कट जाएगा, तो हमारा इसका फैक्टर आ जाएगा ar² इज इक्वल टू 8। तो इसको फर्दर अब मैं सॉल्व करूँ तो ar² इज इक्वल टू 9 हो जाएगा माइनस इधर आके। तो अब मैं इस चीज़ को देखता हूँ, अगर मैं a की वैल्यू 0 रखूँ तो ये भी 0 हो जाएगा सब कुछ, तो हमारा आंसर तो आ ही नहीं सकता। अगर मैं इसकी वैल्यू 1 रखता हूँ तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा 3। अगर मैं इसकी वैल्यू लाइक 1 पे हमें 3 मिल रहा है, तो हमारी जो भी वैल्यू होगी वो इसी के रेंज में होगी। अब अगर मैं इसकी वैल्यू 2 रखता हूँ तो ये 2 तो इससे कटेगा ही नहीं, कटेगा तो पॉइंट में आंसर आएगा और यहाँ पे तो हमारा पॉइंट में है ही नहीं। तो ऐसे ही अगर हम इसकी वैल्यू 3 रखें, 3 की वैल्यू फिर ये 3 काटेगा तो √3 आ जाएगा, तो वैसे ही हमारी इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 3 की उसमें आ जाएगी, और हमारा 1 3 किसमें है, इसमें ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। इन अ पीसी ज्वेलर शॉप द शॉपकीपर डिस्प्ले द बैंगल इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर एंड ही इज लेफ्ट 38 बैंगल विद हिम। जो भी वो उसने बैंगल थे वो स्क्वायर की फॉर्म में शो कर रहा है, लेकिन उसके 38 बैंगल शो हो रहे हैं अभी भी, उसके बाद छूट गए हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं अब आगे क्या होगा। इफ ही वॉन्टेड टू इंक्रीज द साइज ऑफ स्क्वायर बाय 1 यूनिट ईच साइड ही फाउंड 25 बैंगल शॉर्ट पड़ रहे हैं, कम पड़ रहे हैं बल्कि, मतलब 25 माइनस हो रहे हैं और लेफ्ट बचे हैं पर 38 है ना। इन कंप्लीटिंग स्क्वायर द एक्चुअल नंबर ऑफ बैंगल विच ही हैड विद हिम इन द शॉपकीपर, मतलब कि कितने बैंगल एक्चुअल में है उसके पास, तो एक्स ले लेते हैं उसकी वैल्यू है ना, और ये बोल रहा है स्क्वायर की फॉर्म में होना चाहिए पूरा का पूरा, पूरा के पूरे टोटल नंबर ऑफ जितने भी हैं, ठीक है। तो स्क्वायर हुआ x² + 38 हो जाएगा, और ये दूसरे केस में क्या बोल रहा है, इफ ही वॉन्टेड टू इंक्रीज द साइज, तो यहाँ पे हो जाएगा x + 1² -25 इज इक्वल टू x² + 38। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, x² + 2x + 1 -25 ये हो जाएगा 24, उधर जाके हो जाएगा 38 से प्लस 38 से ये हो जाएगा हमारा 62, ये तो हो गया 62, और x² से x² कट गया, ये हो जाएगा हमारा 2x, x की वैल्यू आ जाएगी 31। अब ये क्या बोल रहा है, हमारे एक्चुअल नंबर ऑफ बेंगल कितने थे, तो हमारे एक्चुअल यही थे, ये तो दूसरी कंडीशन हो गई थी जहां जहां पे उसने इफ बोला था, तो हमारी एक्चुअल हो जाएगी 31² + 38। अब 31 का स्क्वायर क्या होता है हमारा, 900 961 + 38 89399, तो हमारा इसका हो जाएगा 999 वैल्यू। अब क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। सम टाइम अगो हाइट ऑफ माई सन वॉज 90, मेरे लड़के की एज थी 90 एट द एंड ऑफ 1996 व्हेन आई हैव ऑब्जर्व दैट हिज हाइट इज इंक्रीजिंग इक्वली एवरी ईयर, मतलब इक्वली बढ़ रही है, कुछ टाइम्स बढ़ रही है, आफ्टर 7 ईयर इन द लास्ट मंथ ऑफ 23 1996। हाँ तो हमारी ये हो जाएगी 7x, जो भी हमारी इक्वल हाइट बढ़ेगी 90, यहाँ तक तो क्वेश्चन सॉल्व। आई हैव फाउंड दैट हिज हाइट वॉज 1/9 मोर देन दैट एट द एंड ऑफ 2022। दैट मीन 2022 की बात करूंगा तो 6x + 90 हो जाएगा, और ये बोल रहा है 1/9 हाइट मोर थी, 1/9 हाइट मोर थी उसकी, तो ये हो जाएगा 6x + 90/1/9। तो ये क्या है, ये आ गया हमारा 9 की मल्टीप्लाई, इसमें हो जाएगी 9 6x + 90 + 6x + 90 =
इज इक्वल टू 9 7x+90, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 63x+810, 54x+810, 6x+90, तो ये हो जाएगा हमारा 900। इसकी इसकी और इसकी वैल्यू ये और ये मिलके हो जाएंगे हमारे 60, और 3x यहाँ पर बचेगा और 90 वहाँ बचेगा, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 30। अब हमारा एक्चुअल क्वेश्चन क्या बोल रहा था, कैन यू फाइंड द हाइट ऑफ माई सन एट द एंड ऑफ 2008, है ना। तो 2008 96, ये हो जाएगा हमारा 12x+90, और x की वैल्यू क्या है 30, 30 × 12+90, 12 × 36+90, ये हो जाएगा 450। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, एट देहरादून पब्लिक स्कूल 1/9 स्टूडेंट्स वर एबसेंट इन द एग्जाम, मतलब कि इतने एबसेंट थे और इतने हमारे प्रेजेंट थे, ओनली 19/24 हु अपियर्ड फॉर द एग्जाम पास डेट, ये हमारे पास हुए थे, फेल कितने हुए होंगे हमारे 25/24, ठीक है। नाउ वी नो दैट 500 स्टूडेंट फेल्ड द एग्जाम, तो ये हमारे फेल थे, 500 हो जाएगा ये 1, तो ये हमारे 24, तो हमारे टोटल स्टूडेंट हो गए। अब ये हम इसकी वैल्यू क्या है हमारे 24, ये हमारे 3 से कटेगा 300, ये हो जाएगा 2700, तो हमारे टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 2700। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, अविनाश एंड वर्षा फायर्ड 45 शॉट्स ईच, अविनाश वर्षा 45 45 दोनों ने शॉट किया, टोटल कितने हो गए 90, टोटल 66 बुलेट हिट हुए थे हमारे, तो ये क्या बोल रहा, हिट द टारगेट एंड द रिमेनिंग बुलेट मिस्ड, बाकी सारी बुलेट मिस्ड हो गई, तो ये यहाँ पे हमारे हो गए टोटल मिस्ड। हाउ मैनी टाइम्स डज अविनाश हिट द टारगेट इफ इट इज नोन दैट नंबर ऑफ हिट्स पर वन मिस शोन बाय अविनाश इज ट्वाइस दैट ऑफ वर्षा, ये बोल रहा है अविनाश का ट्वाइस है एज कंपेयर टू वर्षा से कम, तो दैट मीन्स ये 24 है, इसको मैं अगर डिवाइड करूं 8 और 16 में हो जाएगा, तो है हमारा 8 16। अभी इसने क्या बोला प्लस वन, इसने हिट किया है, सो दैट मीन्स 9 हो जाएगी इसकी वैल्यू, और यहाँ पे 15 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 36, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 36। ये बहुत लॉजिक से क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19, इफ रामा हैज 4 more coin देन लीमा, लीमा लाइक ये मोर कॉइन वाली बात कर रहा है, ये क्वेश्चन हमेशा ध्यान में रखना, ये होता है बॉटम अप अप्रोच, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ना है हमें, तो लास्ट में क्या है फाइनली हीना हैज 4 more coin देन ईमा एमी, तो एमी के पास सपोज करते हैं हमारे एक्स कॉइन है, और फाइनली हीना हैज मोर कॉन, तो ये हमारा एक्स प्लस 4 हो जाएगा। ये क्या बोल रहा है, बानी हैज 1 more coin देन हीना, तो ये हमारा बानी है, तो हमारा एक्स प्लस 5 हो जाएगा यहाँ पे। ये क्या बोल रहा है, लीमा हैज 1 more coin देन बानी, ये हमारी लीमा एक्स प्लस 6। 4 राम हैज 4 more coin देन लीमा, तो ये हमारा एक्स प्लस 10। तो ये हमारा टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 5x+10 16 5 21, ये हो जाएगा हमारा 25 टोटल, तो ये हमारे टोटल कॉइन है। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, देन मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन दैट मस्ट बी ट्रांसफर्ड इफ ऑल ऑफ देम विश टू हैव एन इक्वल नंबर ऑफ कॉइन, इक्वल नंबर ऑफ कॉइन, सो दैट मीन्स एक्स तो वैल्यू पहले ही है, यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव हो रहा है। अब अगर मैं यहाँ से -5 ME को दे दूँ और यहाँ से -1 इसको दे दूँ, तो ये हमारे एक्स प्लस 5 हो जाएगा पूरा का पूरा, ये हमारा एक्स प्लस 5 हो जाएगा। अब सपोज करो मैं एक्स की वैल्यू 1 रख देता हूँ, तो हमारी मिनिमम नंबर ऑफ वैल्यू क्या हो जाएगी 6। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, अंशुल बॉट सम चॉकलेट फ्रॉम नेशनल एक्सक्लूसिव शिप, शी गेव टू अंकित 1 less than half, ये भी हमारा बॉटम टू टॉप ही है, ठीक है। शी हैड 3 चॉकलेट, ये वो सबसे लास्ट में देखते हैं, ये बोल रहा है नंबर ऑफ चॉकलेट उसने कितनी खरीदी थी, उसके ऊपर वाली स्टेटमेंट, द शी फाइनली गेव 1 चॉकलेट टू दीपक एंड द रिमेनिंग 1 she ate herself, तो उसके पास कितनी थी, एक उसने खाई, उसने एक दीपक को दे दी, दीपक तक तो
थी दो, ठीक है, दीपक के देने से पहले तक थी दो, ठीक है। अब इसके ऊपर के देखते हैं, देन शी हैड गिवन 3 चॉकलेट टू बासु, बासु को जो भी हमारी चॉकलेट थी वो +3 हो जाएगी यहाँ पे। देन हाफ ऑफ द चॉकलेट शी चॉकलेट विच शी हैड गिवन टू चार्ल्स, मतलब जितनी भी उसके पास चॉकलेट थी उसकी हाफ उसने दे दी चार्ल्स को। चार्ल्स तक तो थी उसके पास 4, बाकी बची 2 यहाँ पे, ये इसने 2 और दे दी तो हाफ हो जाएगी। अब ये बोल रहा है 3 और इसको दे दी तो 4 यहाँ पे हो जाएगी, बांसु तक थी 7, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, अंशुल गेव, ये रहा हमारी चौथी स्टेटमेंट, शी गेव टू अंकित 1 लेस देन हाफ, मतलब हाफ से कम 1, तो दैट मीन्स 5 और दे दी उसने किसको, अंकित को, तो ये हो जाएगी हमारी टोटल 12, तो उसने 12 चॉकलेट खरीदी थी। क्वेश्चन नंबर 23 का कह रहा है, 53 का क्यूब -46 का क्यूब -73 का क्यूब, ये हमारा बन रहा है a³ - b³ - c³। और आपको ये फॉर्मूला पता है, a³ b³ + c³ - 3ab c। इसको मैं अगर दूसरी तरफ ले जाऊंगा तो इजिकल टू में 3ab c आ जाएगा, तो वही चीज है हमारी, इसकी वैल्यू इसके इक्वल हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, और ये जो मल्टीप्लाई में है दो वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगी, तो इस चीज को ना देखें। तो 53 × 46 × 7, अब ये बोल रहा है किससे डिविजिबल होगा, तो हम इसको क्या करेंगे, डायरेक्टली खोल देंगे, और तो ये 23/2 हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं हमारा क्या क्या होगा, हमारा किस किस से ये डिवाइड हो सकता है, 21 6 6 6 9 नहीं है, तो ये हमारा 23 दिख रहा है, ये रहा 23, 21 भी होगा, इससे बन गया हमारा 21 है ना, और 21 यहाँ पे भी है और 2 भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बोथ BC। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं अब, फॉर द गिवन फिक्स्ड पैरामीटर इज 50 सेंटीमीटर द टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, रेक्टेंगल का ये हमारा एरिया है, पैरामीटर है सॉरी, विच मस्ट हैव इट्स साइड ऑफ इंटीजर, ये बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल विच मस्ट हैव इट्स साइड्स इन इंटीजर, पॉइंट में नहीं बात नहीं कर रहा है, तो हमारे 2 की वैल्यू हो जाएगी 25, तो हमारे l+b की वैल्यू होनी चाहिए 25। ये बोल रहा है द टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल विच मस्ट बी हैव इट्स साइड, तो अब इसका क्या करेंगे, हम फैक्टर करेंगे, तो हमारे फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं, लाइक जिसको जोड़ के हमारा ये 25 बने, इसको 1 रख सकते हैं, इधर 24 हो जाएगा, 2 3 4 5 6, लास्ट में हमारा हो जाएगा 12 और 13, उसके बाद हमारे नंबर रिपीट होने शुरू हो जाएंगे, तो हमारे कितने हो जाएंगे 12, तो हमारे टोटल रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितने होंगे हमारे 12। तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज 24, 24 के फैक्टर अगर करेंगे तो हमारे हो जाएंगे 4 6, इसको भी करेंगे तो 2 2 6, ये हमारे फैक्टर हो जाएंगे। और ये बोल रहा है एंड द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टर ऑफ द सेम नंबर इज 30, सेम नंबर ऑफ 30 हो जाएगा हमारा 6 × 5, 3 3 3 2 5, तो ये हमारे आ गए हैं पूरे के पूरे, ये प्राइम फैक्टर आ गए और ये हमारे जो भी नंबर ऑफ फैक्टर्स थे, तो ये अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आगे द स्क्वायर रूट ऑफ द रेशियो ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर, ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर जो भी हमारा नंबर बनेगा वो इन्हीं से बनेगा, तो इन तीनों में हमारा लोएस्ट नंबर कौन सा है, 2 है, और ग्रेटेस्ट नंबर क्या है, 5 है, तो ऑप्शन में हम यही देखेंगे जो भी हमारा ऊपर से 2 से कटता हो और नीचे 5 से कटता हो, ये 2 से कटता 5 से नहीं कटता, ये हमारा 3 से कटता, ये है इसका आंसर, है ना। ये कुछ ट्रिक्स होते हैं, ये छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं जो ट्रिक्स क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, क्वेश्चन डायरेक्ट देखो और आंसर मारो, वो ये वाली ट्रिक होती है, मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे, क्वेश्चन कर करके ही बताऊंगा। तो आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, देर आर 4 टाइप ऑफ कैंडिडेट्स इन अवर कोचिंग प्रिपेयरिंग फॉर द CGL एग्जाम, ओहो, द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस कॉमर्स ह्यूमैनिटीज, ये है नंबर ऑफ रेस्पेक्टिव परसेंटेज को क्वालिफाइड, इतना है ह्यूमैनिटीज का बड़ा कम है,
इंजीनियरिंग में कितने स्टूडेंट हैं? 40, 60, 50 एंड 30, इनको प्लस कर लेते हैं। लास्ट में हमें ओवरऑल परसेंटेज निकालने हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 99180। तो रेस्पेक्टिव परसेंटेज कितनी है? 80, इसका 80 तो हमारा 32 हो जाएगा डायरेक्ट। 75 ये हमारा 45 हो जाएगा। 60% ऑफ 50 तो ये हमारा 30 हो जाएगा। और 50% दैट मीन्स 15, ये हमारा 60, ये हमारा 62, ये हमारा जाएगा 122। तो 122 अपॉन 180 इंटू 100, 2 से काटते हैं इसे, 961। दैट मीन्स अब ये जो है वैल्यू, ये हमारे 60 पॉइंट समथिंग है ना। तो हम डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके देखते हैं 9 से, यहाँ वाला 60, 54, यहाँ पर हमारा आ जाएगा 7 समथिंग 67, तो यहाँ पर आ जाएगी 67.77। अब क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। देयर आर ट्वाइस द नंबर ऑफ टू व्हीलर्स, मतलब कि जो टू व्हीलर हैं इसको हम ट्वाइस हैं मान के चलो, एज देयर आर थ्री व्हीलर्स, मतलब कि थ्री व्हीलर और हैं, एंड द नंबर ऑफ फोर व्हीलर आर इक्वल टू द टू व्हीलर्स। दैट मीन्स ये हमारा इसके इसी के इक्वल, मतलब कि इसी के इक्वल ही है। सो दैट मीन्स हमारा, देखते हैं आगे क्या है। द एवरेज नंबर ऑफ व्हील पर व्हीकल, अरे यार जैसे यहाँ पर इसने बोला ट्वाइस है, तो दैट मीन्स ये हो जाएगा टू व्हीकल हो जाएंगे और दो पहिए उसके हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा फोर है ना। और हमारे थ्री व्हीलर सिर्फ एक ही है, और इसमें क्या बोल रहा है हमारा, जो हमारे फोर व्हील, जो हमारी चार पहिए वाली गाड़ी है, फोर व्हीलर्स आर इक्वल टू द नंबर ऑफ टू व्हीलर्स। दैट मीन्स जो फोर पहिए चार पहिए वाली गाड़ी है वो इक्वल नंबर है किसकी, स्कूटर की। दैट मीन्स यहाँ पे टू व्हीकल है तो यहाँ पे भी टू हो जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 8। तो डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ व्हील पर व्हीकल, सो दैट मीन्स 2 1 2, ये हो जाएगा 5, 7 5 15 और 5 3। सो नाउ आज की वीडियो हम आज यहीं पे एंड करते हैं। बाकी मैं इसके 3 पार्ट और डालूंगा, 25 25 25 सेक्शन के। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट लाइक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।